उपमंडल देहरा के नहरन पुखर में स्थित तालाब के करीब से गुजरने वाले लोग शनिवार सुबह यहां का मंजर देखकर हैरान थे। यहां की स्थिति करीब 20 कनाल में स्थित तालाब में हजारों मछलियां जल स्तर के बराबर आ गई। आमतौर पर सिर्फ आटा आदि डालने पर ही ये नजर आती हैं। दोपहर तक कई मछलियों ने दम भी तोड़ दिया। वहीं देहरा के मत्स्य अधिकारी डॉक्टर कविता ने कहा कि ये संभव है, पानी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुआ होगा। पक्के तौर पर जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति होने पर मछलियों को ताजे पानी में छोड़ना पड़ता है। गौरतलब है कि यहां रोजाना लोग दूर दूर से मछलियों को आटा डालने पहुंचते हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द ही इस मामले में कदम उठाने की मांग की है। एक बहुत ज्यादा गंभीर समस्या जी, हर साल बहुत ज्यादा, पिछली बार भी कोई दो ट्रालियों के लगभग यहाँ पे मछली मरी है, पर बीमारी का ज्यादा होता है यहाँ पे। इस करके हम ये सोच रहे हैं कि आज हम सब ने बात की है, तो ये इन मछलियों को निकाल के या तो दरिया में या कहीं भी कुछ भी जो भी होता है इनका हल करते आने की हम आज इसके ऊपर, क्योंकि जिससे पहले की बीमारी फैले या मछलियाँ ज़्यादा मरें उससे पहले हम इसका कोई नहीं। समस्या चल रही है, मछलियाँ मरती हैं हर साल, उस पर आपका क्या कहना है? सर ये मछलियाँ हर साल मरती हैं, जब भी मौसम चेंज होता है तो मछलियाँ मरती हैं। कई बार पंचायत ने काफ़ी इसमें योगदान दिया है साफ करने में, हर साल पंचायत ही करवाती है, लेकिन ये फिशरी डिपार्टमेंट को चाहिए कि इसकी तालाब की थोड़ी सफाई होती रहे और मछलियों की सुरक्षा होती रहे, क्योंकि जो भी लोग आते हैं यहाँ आटा डालते हैं मछलियों को, उनकी आस्था भी ठेस पहुँचती है। और ये गांव के निकट तालाब है, मंदिर है इसमें, तो मंदिर में भी गंदगी फैलती है, लोगों को भी बीमारी से जूझना पड़ता है, जिससे एक तो लोगों की धार्मिक आस्था भी ठेस पहुँचती है। और ऐसा ना हो कि हर साल इतनी मछलियाँ मरती हैं तो इस साल भी काफ़ी मछलियाँ हैं मर जाएं, तो लोगों में भी बीमारी होगी कोरोना के बाद। ऐसा ना हो कि नैन पोखर में मछलियों की वजह से दूसरी बीमारी फैल जाए, तो डिपार्टमेंट को चाहिए कि इसका कुछ बेहतरीन इलाज किया जाए, जिससे हमारे गांव की सुरक्षा हो, लोगों की भावना को भी ठेस ना पहुँचे। मेरा ये मानना है कि ये जो तालाब के अंदर जो फिश हर साल तैयार होती है ये हर साल मारी जाती हैं, तो मैंने पंचायत के सदस्यों से, प्रधान जी से अनुरोध किया है कि इनका जल्दी से जल्द कोई हल निकाला जाए, ताकि यहाँ पे महामारी ना फैले, यहाँ पे बदबू ना फैले, क्योंकि हर बार ये समस्या खड़ी हो जाती है। तो इस बार हमने इनसे अनुरोध किया है कि इनके मरने से पहले इनको जीवित ही अपना दरिया में छोड़ा जाए या कहीं भी इनका कोई हल निकाल। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए देहरा से सुनील राणा की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।